दोस्तों, क्या आपका जीमेल ऐप भी फालतू जीमेल से भर चुका है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं पर आप इकट्ठा इसे डिलीट नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीमेल ऐप में भरे हुए मैसेज को एक साथ एक बार में डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसे सीखने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो मैं विक्रम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम स्टोर में। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा जीमेल ऐप और इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं जो फालतू के हैं, हमें इसे एक साथ डिलीट करना है। तो इसे करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद अब आपको ऊपर साइड में टाइप करना है gmail.com और इसे सर्च कर लेना है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर जीमेल का लिंक दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी जीमेल के सारे मेल को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, आपने उस जीमेल को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जीमेल आईडी लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस पेज को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। इसके लिए आपको ऊपर साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, आपने उस 3 डॉट पर क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे साइड में डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर टिक कर लेना है। डेस्कटॉप मोड को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। वेट करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ऊपर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने के बाद अब आपको इसे जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने डेस्कटॉप साइट को ओपन नहीं कर रखा है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों, इसे आप ओपन कर ले। इसे ओपन करने के बाद अब आपको नीचे साइड में स्टैंडर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसा कि हम इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपका जो जीमेल है वो पूरा का पूरा लैपटॉप मोड में खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपका लैपटॉप में या डेस्कटॉप में खुलता होगा, वैसे ही यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा जीमेल आपका। तो जीमेल ओपन हो जाने के बाद अब आपके सामने सेम टू सेम लैपटॉप या डेस्कटॉप मोड जैसा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं, यह सारा जीमेल हमारा यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो आप इसे एक बार में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और आप इसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर मान लो कि अगर आप अमेजोन का सिर्फ मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च बार में अमेजोन सर्च कर सकते हैं और आपका जो अमेजोन का जितना भी मैसेज होगा आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो आप उसे एक साथ डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने जीमेल के सारे मैसेज को एक साथ इस तरह से डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रश्न सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।